मेरी जाति का एक आदमी है एमएलए, एक एमएलए, वो मैं खुद ही हूँ। और लंबे समय सबसे बड़ा वर्ग उसमें यह है कि उनकी मांग है, हमारी मांग है कि आने वाले समय पे होंगे, क्योंकि उनका हक और अधिकार, उनको हक और अधिकार देना चाहिए। सैनी समाज का इकलौता विधायक, सबसे बड़ा वर्ग, उसका हक और अधिकार। प्रदेश कांग्रेस में पिछले 4.5 सालों से ये सवाल है कि मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। 2018 में जब कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंची थी और सरकार बनने का दावा पेश किया था, तो सवाल था मुख्यमंत्री कौन होगा। 4.5 साल वसुंधरा सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने वाले सचिन पायलट या 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत, खैर उस वक्त का नतीजा सबके सामने है। पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, मगर कांग्रेस में ये सवाल आए दिन उठता रहता है कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का मौका मिलेगा। अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री कब बनेंगे, ये लगता है जनता नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान को ही तय करना है, क्योंकि जब भी सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर होता है तो जवाब यही होता है। मगर अब पायलट वर्सेस गहलोत के मुख्यमंत्री की दावेदारी के बीच कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के स्वर भी बुलंद होने लगे हैं। डूडी ने इस साल जयपुर में हुई जाट महाकुंभ में समुदाय के सदस्य की नंबर 2 नहीं बल्कि नंबर 1 की दावेदारी ठोक दी थी। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारा 25% हिस्सा है, हमारी कौम का 25% हिस्सा, उस 2 नंबर में रिछपाल जी ने सोचा कि जाऊं तो चोर न झिंटा चौका है, लेकिन हमारे समाज का जो एक ठेठ डाणी में आखिरी छोर का जो हमारा परिवार, वो हर वक्त उस बात पे सोचता है, चिंतन करता है कि हमारा राजनीति के अंदर नंबर 1 सीट होनी चाहिए, नंबर 1। और वो नंबर 1 सीट कौन सी है, क्योंकि राजनीति के आए थे और थोड़ा बहुत जो राजनीति का डर भी होता है, लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई दर्द नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। डूडी की इस दावेदारी में कितना दम है और आला कमान क्या 2023 में डूडी की मांग पर क्या कोई फैसला लेगा, उससे पहले आपको जरा नेता रामेश्वर डूडी के बारे में बता देते हैं। रामेश्वर डूडी आरएसएस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2013 में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे। 2014 में जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने तो डूडी पायलट के खासम खास में रहने लगे। 2019 में तो डूडी ने आरएसएस चुनाव में गहलोत को चुनौती देते हुए उनके बेटे वैभव के खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया था। मगर बीते कुछ दिनों से सीएम गहलोत और डूडी की नजदीकियां देखी जा रही है। माना जा रहा है ये नजदीकियां पायलट को दिखाने के लिए है। अब सवाल है, कांग्रेस में जब मुख्यमंत्री का फैसला आला कमान को करना है तो डूडी जी जाट मुख्यमंत्री को लेकर दावा क्यों ठोक रहे हैं, और वे भी तब जब सचिन पायलट वर्सेस गहलोत में अगले मुख्यमंत्री की रेस चल रही है।